अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर है उनकी फरमाइश पे, वाइट सॉस पास्ता। और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि बनाओ बनाओ, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं सोची कि चलो आज आप लोगों के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं बॉईल कर ली पानी को, अभी इन्हें और थोड़ा बॉईल होना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल। तो मैं अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने से जो हमारा पास्ता है वो खुला खुला रहता है, मैं पहले भी बोली थी। एंड इसके साथ ही साथ हम थोड़ा नमक ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ऐड करेंगे अपन। तो मैं यहाँ पे पास्ता ले ली, तो मैं ये वाला पास्ता यूज़ करूँगी आज। और ये है 280 ग्राम अराउंड पास्ता। तो अब हम इसको वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा ये पास्ता। यहाँ पे अभी मेरा पास्ता जब तक उबलता तब तक अपन रेडी कर लेंगे। मेरे पास वेजिटेबल्स तो ज़्यादा नहीं है, बट मेरे को जो जो पसंद है मैं वो ऐड करूँगी इसमें। तो मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर को। वन सेकेंड, तो अब मैं इसमें ऐड करी बटर। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बटर लिया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को ये जो वेजीज है उसको फ्राई करना है इसमें। तो हम ये वाले का इस्तेमाल करेंगे अभी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। इसको ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा सौते करना है। और इसके बाद हम ऐड करेंगे, मेरे पास ज़्यादा कुछ वेजिटेबल्स नहीं थे तो ये वाला मेरा फेवरेट है कॉर्न, तो मैं ये वाले ऐड कर रही हूँ अभी। थोड़ा सा हल्का सा अपन इसको बटर में फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसको साइड में निकाल के रखेंगे। तो यहाँ पे मेरे वेजिटेबल्स फ्राई हो गए, जो भी मैं ऐड करी इसमें, अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे पास्ता रेडी हो गया, अब हम इसको निकाल लेंगे वाटर से। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर को। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बटर लिया है और जब तक ये बटर मेल्ट ना हो जाए तब तक इसको थोड़ी देर के लिए हल्का सा पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा बटर जो है मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून मैदा। मैदा आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हो, थोड़ा भी ले सकते हो, बट क्वान्टिटी अगर आप जितनी कम रखें उतना अच्छा रहता मैदा, क्योंकि ज़्यादा लेने से वो उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता पास्ता का। तो यहाँ पे मैं मैदे को बटर में अच्छे से भून रही हूँ ताकि इसकी जो स्मेल है और अच्छे से आए, क्योंकि बटर में जब मैदे को आप भूनते हैं तब उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे मैदे का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध। यहाँ पे मैं हल्का हल्का दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इसके जो लम्स हैं ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए बल्कि, लेकिन फिर भी यहाँ पे लम्स बनेंगे पक्का श्योर। तो यहाँ पे मेरे पास लम्स के लिए कुछ है तो मैं आपको बताऊँगी। पहले यहाँ पे मैं पूरा दूध डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक गिलास दूध का इस्तेमाल किया है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखो थोड़े लम्स दिख रहे हैं, तो अपन इसे करेंगे ताकि ये जो भी है अच्छे से मैश हो जाए। इससे करने से ना जितने भी लम्स है आटे के वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। स्पून से ज़्यादा ये वाला वर्क करता हूँ। तो देखें आपको सिम पे रख के करना है, अगर आप स्पीड पे रख के करोगे तो ये जल जाएगा, तो आपको सिम पे रख के करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो इसके सारे जितने भी लम्स बने थे वो क्लियर हो गए। आप चाहे तो इसमें
आप अमूल फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हो टेस्ट के लिए, तो मेरे पास है अभी, तो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा अमूल क्रीम ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। तो हम इसको मिक्स कर देंगे। देखो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑरिगैनो, जो कि मैं ये वाला ऑरिगैनो यूज़ करती हूँ, तो वो अब हम इसमें थोड़ा सा ऑरिगैनो ऐड कर देंगे। अब साथ ही साथ हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे ये हमारे वेजीज। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। हम इसमें ऐड करेंगे ये पास्ता। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। इसमें ऐड करेंगे अमूल चीज़ को। तो यहाँ पे हमारा पास्ता रेडी है। चलो, उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप और रेसिपीज़ जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।